Now let's see exercise 3.6, page number 47. Estimate the following products by counting of the number to the nearest 100. Multiply करना है number को, लेकिन उसको nearest 100 करके multiply करना है. तो आइए देखते हैं. First का A. A का बता दे रहे हैं. चलिए A तो आप पढ़ चुके होंगे. हम इसमें से आपको बता रहे हैं जो word problem है उसमें से. जैसे पहला हम आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दें. फर्स्ट का 168 मल्टीप्लाई बाई 230. तो 230 200 के नियरेस्ट हो जाएगा. 168 200 के नियरेस्ट हो जाएगा. 200 मल्टीप्लाई बाई 200 इक्वल टू 40,000 आ जाएगा. ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. इसमें पेज नंबर 46 में यहाँ पे दिया गया है. जो पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 47 पे है. एक्सरसाइज 3.6 एस्टीमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट. इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इसी तरीके से. ठीक है, तो एक और बता देते हैं. इसमें एस्टीमेट द टोटल नंबर ऑफ बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 10. क्वेश्चन नंबर सेकंड, नियरेस्ट 10 करना है. इफ देयर आर 143 रोज विद 109 बुक इन ईच रो. एक रो में 109 बुक है. एक रो में 109 बुक है और कितने हैं टोटल रोज? 143. क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व. टोटल रोज इसको नियरेस्ट 10 करना है. नियरेस्ट 10 करेंगे कितना हो जाएगा? 10 करेंगे इसको. वन से डिजिट को देखिए, ये 3 है, 5 से कम है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा. ये 140 हो जाएगा. और 109 बुक्स इन ईच रो. ईच रो हैज 109 बुक्स. ईच रो हैज 109 बुक्स. नियरेस्ट इन इसको भी करिए, कितना हो जाएगा? वन सर्टिफिकेट क्या है? 9. तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और 1 जाके ऐड हो जाएगा 10 सर्टिफिकेट में. 110. अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको और इसको. टोटल बुक, टोटल बुक्स इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई बाई 110. मल्टीप्लाई करिए, ये 0 होगा, यहाँ भी करिए 0, 0, 1 इंटू 0, 0, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, अगेन 1 से, एक और छोड़ देंगे, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 1, प्लस कर लीजिए, यहाँ पे 0, 0, ए 4, ए 5, ए 1, ये आपका आंसर होगा. तो इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. होमवर्क नोट कर लीजिए. सॉल्व एक्सरसाइज 3.6. दिस इज योर होमवर्क. तो आज की क्लास